मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, इस सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। और इस 100 दिन के पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बुकलेट जारी किया है, 100 दिन के कामकाज का इस बुकलेट में ब्यौरा दिया गया है। सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार को समर्पित 10 साल, अमित शाह ने बताया और कहा कि सुरक्षित भारत बनाने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। गरीब कल्याण को समर्पित है ये सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली। उन्होंने कहा कि भारत विकास के रास्ते पर चल रहा है, भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है। सौ दिन की उपलब्धियों का ये बुकलेट भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर उस समय की है जब गृहमंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बुकलेट जारी किया। 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूँ बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहाँ एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहाँ पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत करकर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायु के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। जब मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, काफी लोग इसका मखौल उड़ाते थे, मगर आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र बन चुका है और ये वास्तविकता है। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत को, भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्ज्वल है, इसको एक्नोलेज करते। 10 वर्ष में आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को देखने का मौका मिला है। भारत की विदेश नीति में मेरे जैसे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, अब भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। 10 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को एक ही 10 साल में घर, शौचालय, गैस,
पीने का पानी, बिजली, 5 किलो मूत अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हम ये लक्ष्य लेकर चले हैं कि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे, इस देश में कोई व्यक्ति घर बगर का नहीं होगा।